तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच के आर क्रिएटर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसीज। जैसे आपने देखा था कि कल 5 जनवरी 2021 को व्हाट्सएप जब आपने सुबह ओपन किया होगा तो वहाँ उस पर प्राइवेसी पॉलिसीज न्यू आई है, टर्म्स एंड कंडीशंस। वो प्राइवेसी पॉलिसी क्या है आज मैं आपको वो इस वीडियो में बताऊँगा दोस्तों। और दोस्तों, उन प्राइवेसी पॉलिसीज में एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए दोस्तों, जिन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है उन लोगों के बारे में भी बताऊंगा, और जिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की उनके साथ क्या होगा वो भी बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, अगर अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना दोस्तों। आगे आने वाली वीडियोस आपको काफ़ी ही तगड़े तगड़े टॉपिक्स पर मिलने वाली है दोस्तों, तो चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए दोस्तों। जैसे कि कल आपने व्हाट्सएप सुबह ओपन किया होगा तो आपको कुछ ऐसा वहाँ पर दिखाई दिया होगा, या साइड में आप देख सकते हैं कुछ ऐसी पिक्स यहाँ पर, सॉरी कुछ ऐसी इंटरफेस आपको दिखाई दिया होगा। तीन टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है इसमें दोस्तों। फर्स्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, फर्स्ट जो पॉलिसी लिखी थी उन्होंने कि व्हाट्सएप जो है वो अब फेसबुक के साथ दोस्तों पेरेंट करने वाला है, मतलब कि फेसबुक के साथ पार्टनरशिप करने वाला है व्हाट्सएप दोस्तों। अब जो व्हाट्सएप है वो अपना डाटा फेसबुक के सर्वर के ऊपर शेयर कर देगा, फेसबुक के साथ शेयर होगा व्हाट्सएप का सारा डेटा आपका दोस्तों। और जो फेसबुक है वो और फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों आपस में कनेक्टेड थे, पहले भी कनेक्टेड थे, बट अब दोस्तों वो डेटा जो है व्हाट्सएप का वो आपके फेसबुक में भी शेयर होता रहेगा दोस्तों। तो ये बुरी खबर भी है और दोस्तों ये बुरी चीज़ भी है दोस्तों। जैसे फेसबुक के ऊपर भी आपका सारा डाटा चले जाएगा जो भी आपका डाटा व्हाट्सएप में था दोस्तों। और नेक्स्ट ये थी दोस्तों कि जो फेसबुक है वो आपकी व्हाट्सएप की एक्सेस ले पाएगा, मतलब कि जो पहले थी वो थर्ड पार्टी ऐप्स से व्हाट्सएप की आपको एक्सेस नहीं देनी, एक्सेस दोस्तों नहीं देते थे आप। तो अब फेसबुक के जिस ऐप से आप अपने फेसबुक कनेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली उस ऐप के साथ आपका व्हाट्सएप भी कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से, आप अपने फेसबुक को किसी गैर जरूरी ऐप, मतलब कि किसी फर्जी ऐप में जो आप फेसबुक का आईडी से साइन अप मत करें, बेटर है कि गूगल से साइन अप करें, जिस वो वाली आईडी से साइन अप करें अगर आपको फर्जी ऐप चलानी है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वैसे तो लोग कम ही चलाते हैं, बट जब जिस ऐप पर आपको ट्रस्ट हो, ट्रस्टेबल ऐप के ऊपर ही अपने फेसबुक को दोस्तों साइन फेसबुक आईडी से साइन अप करें, ट्रस्टेबल ऐप पर भी, क्योंकि अब आपका दोस्तों जो फेसबुक है वो व्हाट्सएप से कनेक्ट हो चुका है। उस ऐप से अगर आपने थर्ड पार्टी ऐप से तो आपकी डिटेल्स लीक होने का दोस्तों खतरा भी है, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर भी उस ऐप के पास दोस्तों चला जाएगा फिर दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि जो अब मैं आपको थर्ड पॉइंट के ऊपर बात करता हूँ कि अगर आपने ये पॉलिसी दोस्तों ये पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया तो आपको क्या होगा दोस्तों। जी हाँ, व्हाट्सएप ने अपनी थर्ड पॉइंट में साइड साफ साफ लिखा हुआ है, साइड में आप पढ़ सकते हैं कि अगर आपने इस प्राइवेसी पॉलिसी को 8 फरवरी तक दोस्तों एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप अकाउंट आपका डिलीट हो जाएगा दोस्तों। तो इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये इसेंशियल है व्हाट्सएप ने दोस्तों लिखा है। और अगर आपको ज़्यादा चेक करना हो तो गूगल पर आप लिख कर चेक कर सकते हैं व्हाट्सएप न्यू प्राइवेसी पॉलिसीज 2021 दोस्तों। ये थी तीन पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना दोस्तों ऐसी ही टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।